राजस्थान में कल होने वाले विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। तेलंगाना में सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे। अफगानिस्तान दूतावास ने नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। इसराइल और फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास के बीच 4 दिन का युद्ध विराम लागू। हमास आज पहले बंधक समूह को रिहा कर रहा है। चाइना सुपर मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में HS प्रणॉय पुरुष सिंगल्स में और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में खेलेंगे। और आर्मेनिया में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजी दल आज अपने अभियान की शुरुआत करेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। राजस्थान विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 199 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 200 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा की एक सीट पर उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है। कल होने वाले मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपने साथ मतदाता पहचान पत्र लाने को कहा है। मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में मतदाता आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किए गए 12 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट समेत भारतीय निर्वाचन के अन्य अधिकृत दस्तावेज भी मान्य हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की मदद के लिए मतदाता सहायता केंद्र होंगे, जहां प्रशिक्षित वॉलंटियर्स के साथ बूथ लेवल अधिकारी BLO उपस्थित रहेंगे। BLO के पास मतदाता सूची भी उपलब्ध होगी। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कक्ष तक पहुंचने के लिए रैंप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही प्रशिक्षित सांकेतिक भाषा सहायक भी उपलब्ध रहेंगे। दृष्टिबाधित मतदाताओं को पीठासीन अधिकारियों की ओर से डमी बैलेट सीट उपलब्ध करवाई जाएगी। दृष्टिबाधित मतदाता ब्रेल में लिखी डमी बैलेट सीट को पढ़कर उम्मीदवारों के क्रमांक, उनके नाम तथा उनके संबंधित राजनीतिक दलों के बारे में जान सकेंगे। बैलेट यूनिट पर भी ब्रेल लिपि में उभरे हुए क्रमांक को पढ़कर उसके सामने नीले बटन को दबाकर मतदान कर पाएंगे। इन सुविधाओं के अलावा जरूरी होने पर 18 साल से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को सहायक के रूप में अपने साथ ले जा सकेंगे। केंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए केवल 5 दिन शेष हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वाम दलों सहित प्रमुख दलों के शीर्ष नेता दूर दराज के क्षेत्रों में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्रों में घर घर प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में कल से 3 दिन तक प्रचार करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा सहित भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता तेलंगाना में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं। श्री अमित शाह आरमोर में जनसभा को संबोधित करेंगे और राजेंद्र नगर, सिरलिंगमपल्ली और अंबरपेट में रोड शो करेंगे। श्री राजनाथ सिंह का मेडचल और कारवा निर्वाचन क्षेत्रों में रोड शो करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा आज और कल पालकुर्थी, हुस्नाबाद, सतपल्ली और मथिरा में प्रचार करेंगी। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कहा है कि संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक केंद्रीय बल तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारियों ने जब्त की गई नकदी और सामग्री के बारे में विवरण मांगा है। उन्होंने बताया कि अब तक 9000 से अधिक मतदाताओं ने घर से वोट की सुविधा का उपयोग किया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव दल सुरंग के अंदर 800 मिलीमीटर व्यास की पाइप डालने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरंग के धंसे हुए हिस्से को पार करने के बाद ये पाइप फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचेगा और इसी पाइप की मदद से उन्हें बाहर निकाला जाएगा। निर्माणाधीन टनल में रात और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। अगर मशीन से किसी भी समय ड्रिलिंग का काम शुरू हो सकता है। इस मशीन की सहायता से सुरंग के शेष बचे हिस्से में 800 मिलीमीटर का पाइप डाला जाएगा। उम्मीद है आज देर शाम तक सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। अभियान को तेजी से पूरा करने के लिए ONGC, SJVNL, RVNL, NHIDCL और TSDC को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई है। ये एजेंसियां मिलकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से रहकर बचाव कार्यों की लगातार जानकारी ले रहे हैं। घटनास्थल पर श्रमिकों के परिजन भी मौजूद है और उन्होंने फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर संतोष जताया है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मटाली में एक अस्थायी शिविर कार्यालय से बचाव कार्यों की निगरानी के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी कर रहे हैं। उन्होंने सुरंग में फंसे श्रमिकों से भी बात की।
हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है। मैं भी रात से आ गया हूं, जनरल साहब भी आ गए हैं यहां पर और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहां पर सारी चीजें एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। भारत सरकार के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलवे ने बताया कि जल्द ही ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और सिचुएशन काफी ठीक है, क्योंकि रात में हमें दो हिस्सों पे काम करना था। एक तो जो मशीन का प्लेटफॉर्म उसको रिवैम्प करना था, वो आराम से हमने रिवैम्प कर दिया और रिवैम्प करने के बाद फिर मशीन चला करके ऑगर को निकाल दिया। जो हमारी नॉर्मल प्रक्रिया है ऑगर ड्रिलिंग की, उसके लिए अपनी तैयारी करेंगे, मशीन में ऑगर भेजेंगे, वेल्ड करेंगे नया हिस्सा और फिर जोड़ करके नई ड्रिलिंग शुरू करेंगे। उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि पार्सन्स कंपनी ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से जो स्टडी की है उसमें हमने ये पाया है कि अगले 5 मीटर तक 45 के बियॉन्ड कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि हमारी जो ड्रिलिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को एक मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता, कैप्टन एमवी लांसनायक, संजय बिष्ट और पैराट्रूपर सचिन लौर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आरआर स्वैन तथा अन्य अधिकारियों ने भी बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। श्री द्विवेदी ने बलिदान देने वाले जवानों की बहादुरी की सराहना की। हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें दो शहादत तो हुई है लेकिन हमने दो खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता न करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। देखिए, ये एक मेजर सेटबैक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। बट मैं मान के चलता हूँ कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे, और अगर ये ऐसे चलता रहा कार्रवाई तो एक साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने कहा कि सीमा पार से भारत आए कुछ आतंकवादी सेवानिवृत्त पाकिस्तानी सैनिक हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने दो खूंखार आतंकवादियों को भी मार गिराया है, इससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ये समाचार